हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी ने आंसर कीपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आपत्ति लगा दी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चंस पर आपको बोनस मिल सकता है और आंसर की को लेकर क्या नया अपडेट है। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप सभी प्यारे बच्चों को एक सिंगल वीडियो में 10 से 12 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए प्यारे बच्चों। और एक मैं छोटी सी चीजें आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन से पहले डिस्कस करने से पहले कि जीएस प्लेन ने आप लोगों के लिए किया क्या है और किस तरीके से हमने आपत्ति लगवाई है। तो कुछ लोग क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यहां पर ध्यान से देखना आप सभी को कि हमने जो आपत्ति लगाई, तो ये जैसे मैं एक सबसे पहले आप सभी भी लगा सकते हो प्रूफ के सहित, मैं आपको दिखाने वाला जैसे क्वेश्चंस है, जैसे पेपर को क्वेश्चंस ये आपके सामने दिखा रहा हूं, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे हमने लिखा है कि उपरोक्त क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, आरजेस आंसर में गलत दिया हुआ है। और हर एक क्वेश्चन के नीचे ये भी चीज लिखी हुई है कि इसका आंसर ये होगा, इसके अंदर आप थोड़ा चेंजमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब इसके ऊपर विचार विमर्श करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या कौन से क्वेश्चन पे लिखा वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आपका जो आपत्ति का मतलब देखो, अगर हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपत्ति और बेटा बोनस में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, बोनस और आपत्ति में फर्क होता है। मैं हम जाते हैं इसकी वेबसाइट पर एडमिशन बीएससी नर्सिंग, और यहां पर हम जा रहे हैं इसकी जो आपकी साइट है वेबसाइट, इस पर लिख रखा है साफ साफ गिवेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर आंसर की इफ एनी कैन बी सबमिटेड टू आरएसएस इन हार्ड कॉपी अलोंग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आइदर ऑन 24/8/2024 या फिर 27/8 या फिर 28, मतलब आज आप जा सकते हो 4 बजे तक या फिर आप कल 4 बजे तक, रूम नंबर 202, ठीक है। तो यहां पर ईमेल के द्वारा अगर आप करोगे आपत्ति लगाओगे तो वो वैलिड नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा आप माइंड में बच्चों कि सर अगर हम नहीं जा पाए, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट से आपत्ति लगवा दी है और जिस दिन हम गए थे उस दिन ऑल ओवर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टोटल बच्चे लगभग 15 से 20 ही पूछे थे, मेरे पास प्रूफ है। और मैं तो वीडियो डायरेक्ट 3 बजे बनाया था क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कशन में लगा हुआ था क्लासेज के अंदर, तो उसमें मैंने एक वीडियो आई थी, दूसरी वीडियो अपनी ये भी, इसमें भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर तो अपन रिजल्ट पे बात करेंगे बच्चे। तो हम बात करें आपके सामने, तो आप जो भी स्टूडेंट्स आपत्ति लगा के आ रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन के आंसर में, ध्यान से सुनना ये लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर उस क्वेश्चन में बोनस मिलता है या फिर उसका आंसर चेंज होता है, ठीक है बच्चे, तो उसका बेनिफिट क्या उसी स्टूडेंट्स को मिलेगा जिसने आपत्ति लगाई या सर सभी स्टूडेंट्स को? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चे, उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपत्ति लगवाई जिन स्टूडेंट से, तो उसका बेनिफिट जो क्वेश्चन के आंसर में एरर है उसका बेनिफिट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स को मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट्स है उनको। और बोनस कब मिलता है प्यारे बच्चे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोनस मिलता है, देखो आपको सच तो सुनना पड़ेगा। और आप काफी बच्चे से बोलते हैं दिनेश सर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे लाडले बच्चे दिनेश सर ने तो हमेशा से आप सभी प्यारे बच्चों का सपोर्ट किया है, किस दिन नहीं किया, हमेशा सही गाइडेंस करता हूं आपको, गुमराह नहीं करने की कोशिश करता, मीठी चुपड़ी बातें नहीं करने की कोशिश करता, मैं सीधी बोलता हूं डायरेक्ट बोलता हूं और हमेशा से सपोर्ट किया है। तो बोनस उन बच्चों को मिलेगा या बोनस अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उस क्वेश्चन में बोनस मिलता है, तो बोनस या तो क्वेश्चन में 2 आंसर आ रहे हो तब, या उस क्वेश्चन की कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन गलत हो, मतलब बोले तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा हो, तब जाके बच्चे बोनस मिलता है। तो कितने क्वेश्चन में आपत्ति लगवाई और कौन से क्वेश्चन में बोनस के लिए फोर्स किया गया है कि एग्जामिनर को या फिर जो भी आप चेक करेगा जो कमेटी का अध्यक्ष है कि इस पर बोनस दिया जाए, तो ये सारी चीजें मैं आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से पूरी वीडियो पढ़ी है, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हो, 26 सेकंड की वीडियो है, हर एक क्वेश्चंस को बहुत प्रूफली के साथ वेरीफाई करके केमिस्ट्री विद सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्या होता है कि लाइन एनसीईआरटी के मिलते नहीं है, तो उनका सॉल्यूशन करके इस तरीके से, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर यहां पर एक क्वेश्चन है, ये जो आप, ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि आप कुछ लोग क्या है, आर्गुमेंट करना बड़ा आसान होता है। अब मैं आपको एक इस क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखाता हूँ, जो जिस क्वेश्चन पे लोगों ने दिनेश सर के ऊपर उंगली उठा दी, इस पे मैंने कहा था कि आंसर या तो बेटा इसका सी जाएगा, या तो आंसर सी जाएगा,
ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया क्यों दिया कि कैरियर मानकर सोल्व करना, या फिर प्यारे बच्चे इसके अंदर आंसर फंस जाएगा अगर अपन नॉर्मल करते, लेकिन फंस जाएगा तो उसमें फिर ये वाला कटेगा, तो फिर ये कटेगा तो इसके अंदर बोनस होने के चांसेस है, तो इसमें बोनस होने के चांसेस क्यों है, ये चीज मैंने लास्ट में बोली थी लेकिन आप पूरी चीज सुनते नहीं हो। उपरोक्त क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन का अभाव है, बस इतना लिखना होता है, वहां मैं ये नहीं लिख सकता कि आप इस पे बोनस देने की कृपया करें, वो कमेटी डिसाइड करती है, क्योंकि ये एक लाइन होती है, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई उपरोक्त क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन का अभाव है। तो अपन मैंने यहां पर जब मैंने सबमिट करवाई थी, जब ऑब्जेक्शन लगाया था, तो मैंने ये चीज नहीं करवाया कि आप सर मतलब सी आंसर दो, ए दो, वो दो, मैंने एक सिंपल लाइन में इसके ऊपर एग्जामिनर को फोकस डालने के लिए कहा है, जो भी इसका मतलब जो कमेटी बैठेगी, कि उपरोक्त क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन का अभाव है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि दिनेश सर ने क्या किया है, दिनेश सर ने वो किया है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन सही नहीं लग पा रहे स्टूडेंट से, तो फिर एग्जामिनर आपको बोनस देगा। तो ये एक क्वेश्चन है बायोलॉजी में, वो भी बायोलॉजी में जिसमें बोनस मिलने के चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बोनस मिल जाएगा, ठीक है, बस ये एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर चांसेस है, बाकी अदर क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस में बोनस मिलने के चांसेस नहीं है। तो आपको किस तरीके से सबमिट करवानी, देखो प्यारे बच्चे मैं खुद जाके आता हूं, हमेशा की हमारी आदत रही है, ऐसा नहीं कि मैं घर बैठा रहूं 4x4 के कमरे से, कभी बाहर ही नहीं निकलूं आप लोगों के लिए, हमेशा हर स्टूडेंट्स को दिल से सपोर्ट किया है, जहां मुझे फोटोकॉपी की जरूरत हो मैं जाकर फोटोकॉपी खुद करवा के लेके आ रहा हूं, कि बच्चों के साथ कोई दुविधा ना हो प्यारे बच्चे, बच्चे परेशानी में ना जाए, हर तरीके से ये आरयूएसएस के अंदर खड़े होकर हर क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली वेरीफाई करवा कर, और कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाई है वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। और ये स्ट्रगल मेरा आज का नहीं है, जब भी छोटे छोटे प्रॉब्लम आती है बच्चों की, मैं हमेशा आप लोगों के लिए आरयूएसएस खड़ा मिलता हूं, ठीक है बच्चे, कभी भी आप लोगों से झूठी हमदर्दी नहीं करता हूं, मैं धरातल पर उतर कर आप लोगों के लिए काम करता हूं कि आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे आपके आंसर की बात हो इस साल की, चाहे लास्ट ईयर की हो, क्योंकि देखो मुझे अगर 10 से 15 बार भी, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी बेटा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आपको पता है कि मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती है और भी अदर काम होते हैं, मुझे भी बहुत क्लासेस लेनी होती है, मैं दिन भर मैं भी नोटिफिकेशन बना सकता हूं, आपका समय बर्बाद कर सकता हूं, मैं भी 1-2 घंटे लाइव चलकर आपका वॉच टाइम बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा शौक नहीं है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन 10 से 12 मिनट की होगी मैं उसी टाइम में दूंगा। तो हमारी पूरी टीम हमेशा से जाती आई है आपके लिए, हम हमेशा से संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आरएचएस जा जाकर कभी सिलेबस को लेकर, कभी भी हम आरएचएस के ढांचे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएचएस अपना ढांचा सुधारे ताकि बच्चों को कभी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन होता क्या है, एक मैं चीज दिखाना चाहूंगा आपको, एक अब देखो, और आप एक चीज बड़े आसानी से बोल देते हैं कि दिनेश सर सपोर्ट नहीं करे, अरे बच्चे अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करते, मैं आपका भला नहीं चाहता, तो मैं आपके लिए 12 घंटे क्लासेस क्यों लेता है, हम 12-12 घंटे क्लासेस लिए, इंडिविजुअल क्लासेस कोई नहीं पढ़ाया आज तक 12 घंटे, इंडिविजुअल फिजिक्स की क्लासेस हमारे चैनल पर है, 12-12 घंटे की थ्योरी हमने अलग से दी है, हमने क्वेश्चंस अलग से दिए हैं, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने आज तक 12 घंटे यूट्यूब के ऊपर, जो नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जो आरएचएस के लिए किसी ने आपको 12 घंटे पढ़ाया हो, केमिस्ट्री किसी ने 12-12 घंटे थ्योरी के अलग से, क्वेश्चंस के अलग से करवाई हो, तो दिखा दूं, तो मेहनत जीएस मेंट इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए बहुत करी है, और आप इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, और बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को कि हाँ कि आज कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हमारी मेहनत भी आपके साथ है प्यारे बच्चे, आपने सेल्फ स्टडी करी, हमने मेहनत करवाई, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आए, तो मैं आपको कैसे सोच सकता हूं कि आपके 2 से 4 नंबर कट जाएं, तो ये चीज बिल्कुल सरासर गलत है कि मैं 1% नहीं सोचता कि आपके मार्क्स कम आए, मैं हमेशा सोचता हूं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर हमेशा सोचता है उन बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा है। लेकिन एक कहावत सुनी होगी आपने, मैं बताऊं एक कहावत के शुरू में तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, और ये इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूं, कहां गई वो कहावत आपकी, ये आपके सामने कहावत है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना, ये है आपके सामने, इसकी बात मैं लास्ट में करने वाला हूं, पहले आप इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करना, भाई 4 युग हुआ करते थे, ठीक है, पहला युग आया सतयुग, पहले युग में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोकों में रहा करते थे, समझना, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं मैं, 1 घंटे चीज को एक्सप्लेन करने में लगा, मैं 1 मिनट में आपको सारी कहानी समझा दूंगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। पहला जो सतयुग आया उसमें देवता और दानव दोनों अलग अलग लोकों में रहते थे, ठीक है, दानवों को अलग युग अलग लोक था और देवताओं का अलग था। फिर बेटा दूसरा त्रेता युग आया, उसमें देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे, ठीक है,
जैसे श्री राम और रावण जी। फिर तीसरा द्वापर युग आया बेटा, द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में एक ही फैमिली के अंदर रहने लगे, जैसे धर्मराज, युधिष्ठर और दुर्योधन। और चौथा कलयुग आया, चौथा कलयुग में क्या हुआ कि देवता और दानव दोनों एक ही शरीर के अंदर रहने लगे, मतलब अंदर से तो दानव पर्वती के, बाहर से देवता बनने की कोशिश करेंगे, हमदर्दी लूटने की कोशिश करेंगे कि मेरे से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ऐसे प्यारे बच्चे इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे बंगाली बाबाओं से बचकर रहना। ये देखो इस तरीके से आपके ऊपर मंत्र डालने की कोशिश करेंगे घंटों घंटों, और आप उस मंत्र में मत फंसना, ठीक है? आपको जो लगे सही है ऑथेंटिक चीजें उसी के ऊपर फोर्स करना। आपके लिए प्रयत्न किसने किया है, आपके लिए मेहनत किसने करी है, आपके सामने है सारी चीजें, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों से इनसे बच के रहोगे तो आपकी जिंदगी में आप कामयाब रहोगे, अन्यथा जिंदगी में पहले भी आपको गुमराह किया गया है और आगे भी करते रहेंगे प्यारे बच्चे। बाकी आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप बहुत समझदार हो, तो मेहनत पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपने करियर को और सुनहरा बना पाए, और झूठी अफवाहों पर ध्यान देने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी होती है प्यारे बच्चे कि आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 जो आपके सामने है, ये पूरा पूरा इसके अंदर 24-25 ये मैं बोल रहा हूँ, 25 लिख रखा है वैसे तो इसके अंदर, ये 24-25 आपका, ठीक है? तो कि मैंने इस साल, आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर एप्लीकेशन होगी। आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था 11 अगस्त को दिया था, जिसमें रिजल्ट के आंसर की 23 तारीख को आई है। इस आंसर के में आपत्ति, कृपया इन पर विचार विमर्श करें, उपयुक्त आपत्ति प्रश्न में संलग्नित है, बोले तो प्रार्थी जैसे जो भी आप हो, और आपकी डेट लिखकर बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करवा के आ जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपत्ति लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन उतने ही ज्यादा मिलने की कोशिश होगी। और मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि जैसे जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, एक तो फिजिक्स के क्वेश्चन में एरर, ऑब्जेक्शन बोनस नहीं बोल रहा हूं, इसके आंसर में गलत है तो बोनस नहीं मिलता बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो ही मिलेगा बेटा, ठीक है? इसमें भी ये आंसर जाने के चांसेस हैं, ठीक है? सी आंसर, मतलब जो राइट आंसर है वो कर, इसका विद सॉल्यूशन ये दिया गया है कि ये सॉल्यूशन के साथ कि ये डीडीटी को लेकर ये आपके सामने, फिर उसके सामने आईजीए एंटीबॉडी आंसर जाना चाहिए। आरएचएस के आंसर की में एरर है, वो तुम्हें दिखाया था ना क्या लिख के दिया था प्यारे बच्चे, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए मैंने, मेरा ये अभी भी वो पीडीएफ सेवर, मैंने ये भी बोला था या तो आंसर थर्ड जान से या बच्चों को ऑब्जेक्शन में बोनस मिलेगा, यही देगा। ये दो होने के चांसेज है, थर्ड होने के चांसेज क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी, या फिर प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में बोनस मिलने के आंसर है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस का अभाव है। और एक आपके सामने केमिस्ट्री का ये वाला कि विच मेटल इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, बिजली के तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर के लिए प्यारे बच्चे या तो निकल होती है या कॉपर या एल्यूमिनियम। अगर हम लोग बात करें टंगस्टन, इसका आंसर दिया हुआ था, टंगस्टन फिलामेंट और बल्ब या फ्यूज वायर के अंदर यूज होती है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑप्शंस का अभाव था, तो इसके अंदर भी क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है चेंज होगा आपका और आंसर निकल चला जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, इतना तो कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं था, जितना तुम लोग टेंशन में तनावपूर्ण मस्त रहो बच्चे, हमने आपके लिए आपत्ति लगा दी है और आपके स्वीकार हो जाएगी, हम आपके साथ हमेशा से हैं, और आपका रिजल्ट भी जल्दी देखने को आपको मिलेगा, ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको करियर बनाना है और आपको मस्त रहना है बच्चे, आपको आपके रिजल्ट का वेट करना है। मैं आपको एक एक चीज बहुत सही ढंग से काउंसलिंग करवाने वाला हूं, और जैसे रिजल्ट आएगा तो हम 2-3 दिन बाद हम लोग बच्चों को ट्रिप पे भी ले जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम मेहनत करवाते हैं, मेहनत के बाद एक बच्चे से जो लगाव होता है आफ्टर सिलेक्शन वो कैसा होता है, क्योंकि हम जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में आप लोगों को कभी भी कोई हेल्प होती है, आप कोचिंग आते हो, ऑफलाइन में आते हो, ऑनलाइन में आते हो, कहीं से भी आप लोग आते हो, तो हमेशा से आपकी हेल्प करता हूं एक बिग ब्रदर के रूप में, बड़े भाई के रूप में। बाकी आप सभी प्यारे बच्चों की क्या राय है आज के इस वीडियो को लेकर के, हाँ सर अब हमें समझ में आया कि सर एक्चुअल स्थिति क्या है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और जुड़े रहना, और आप अपना प्यार देते रहना प्यारे बच्चे, ठीक है? दिस प्लेनेट हमेशा सही के साथ और सही का ही साथ देगा, कभी गलत के साथ नहीं। आरएचएस कितनी भी गलत हो, हमेशा आरएचएस के खिलाफ हमेशा अकेला जाता हूं, बोल के आता हूँ, सॉल्यूशन करवाता हूँ, आपकी इन चीजों में कमी है, काउंसलिंग प्रोसेस में कमी है, आपने सिलेबस गलत डाला है, हर एक चीज आपने बच्चों के हित में गलत करी है, तो उस चीज के लिए हम जाते हैं। इतने बड़े एग्जामिनर होकर आरएचएस के आंसर की गलती करना 5 से 6 क्वेश्चंस, वो बहुत बड़ा दिखाता है कि आरएचएस अपनी कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है अपने पेपर के अंदर। तो इन सारी चीजों को ही मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमारा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस सेशन को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़े अपडेट के साथ।